वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को, आपकी फ्रेंड्स को, ना आपकी गर्लफ्रेंड्स को, यार सबको हैप्पी दिवाली। एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग कैसे दिवाली को सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड इतना अच्छा फेस्टिवल है तो यार बताओ आप लोगों के आज के क्या प्लान्स हैं। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है न्यूमन को लेकर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो डिसबैंड होने वाली है, तो इसके ऊपर जो सविता है उन्होंने रिएक्ट करते हुए लिखा था सब अपडेट देंगे, अभी 5-6 दिन के ब्रेक पे हुए, उसके बाद बात करेंगे। एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख लो। इसके बाद जो गॉड लाइक अमर है उन्होंने बताया था कि हमारे को एक और असॉल्टर देखने को मिलने वाला है गॉड लाइक में। तो इसके ऊपर काफी लोग जो लंगोटी है उनसे बोल रहे थे कि स्किप्स को ट्राई करो, तो इस चीज पे उन्होंने रिप्लाई करा है, क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। स्किप्स को दो ट्रायल चांस, देखते ब्रो। काफी लोग बता रहे हैं ये चीज, काफी लोग बात कर रहे हैं, इस पे अपन कुछ तो करेंगे। स्किप्स को ले लो, स्किप्स को जरूर देखेंगे ब्रो, ट्राई आउट करवाएंगे, जो भी रहेगा उसके पॉजिटिव वेज में अपन करेंगे, जो भी रहेगा, जिसका भी रहेगा, जो भी बातें रहेगी, अमर भाई, क्रॉन्टन भाई, सब कॉल लेंगे भाई। तुम जिसके भी नेम ले रहे हो वो सारे एक एक टीम के साथ स्टिक के, तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे मेरे को हाँ। बताओ। अरे नहीं, फिर अभी हमने भी तो बोला है कि हमको एक एसोल्टर चाहिए, तो गाइस सोच लो, जो फ्री होगा वो खुद से कांटेक्ट कर लेगा। देख रहे हो, सेम आंसर, और जो भी रहेगा ना वो जल्दी समझेगा। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है कि जो शेड में उन्होंने बोला था कि वो अपना ड्रॉप नहीं छोड़ेंगे। एंड आप लोगों को भी ये कन्फ्यूजन होगी कि जो गॉड लाइक है वो कौन से ड्रॉप पे जाने वाली है, हमारे को गॉड लाइक एंड शेडो की टीम का जो ड्रॉप क्लैश है वो देखने को मिल सकता है, तो इस चीज के ऊपर बात करी थी लॉल्स ने। शेडो ने चैलेंज कर दिया, वो ड्रॉप चेंज नहीं करेगा भाई। यार अभी ये इनका क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता है, सच बताऊं तो। अभी देखो है तो एट द एंड गॉड लाइक में ही है, तो वो कुछ कर लेंगे। मतलब जेली के ड्रॉप पे गॉडलाइक की मेन लाइनअप जाएगी, ऐसा हो सकता है। तुमको नहीं पता ना उनका बैक एंड पे क्या चल रहा है, यू नेवर नो, अगर ड्रॉप क्लैश रहेगा तो वो भी हो सकता है। अब वेट करो, को टूर्नामेंट आने दो, उसके बाद पता चलेगा। अभी से ही बस तुम अज्यूम करके मत बैठो, अभी स्क्रिम्स वूम्स चल रही है तो सब अपना गन फाइट ही देखेंगे। स्क्रिम्स में कोई सर्वाइवल नहीं खेलता इतना, सब जाते हैं 4v4 फाइट लेते हैं एंड ट्राई करते हैं कि एक भी बंदा नॉक फिनिश ना हो और वो फाइट जीते, ऐसा मेन ये रहता है। इसके बाद काफी लोग जो आइफ लेके उनसे एक चीज बोल रहे थे कि TWM के लाइनअप को HH में ले लो, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। प्लेयर्स के कुछ सीन है ब्रो, समझो। TWM गेमिंग को तो अरे यार ये तो पोचिंग हो जाएंगे, मतलब सो इट्स इधर एक्वायरिंग द होल टीम बिकॉज वो लोग साथ में है, तो ऐसा कुछ है तो या इफ द लाइनअप इज रिवील्ड एंड इफ द लाइनअप इज अवेलेबल टू टेक देन या देख सकता है, बट मैं पोचिंग वाला ऑप्शन तो नहीं चुनने वाला ब्रो। यू नो आई एम नॉट गोना गो टू द प्लेयर्स एंड आस्क देम कि भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। मे बी TWM का ऑनर या फिर मैनेजर से बात करूँगा कि भाई हाँ, आर यू रिलीविंग द होल टीम, ऐसा कुछ तो प्रॉपर वे में जो करनी चाहिए वैसा। इफ देयर फ्री एजेंट्स वुड यू टेक देम टू HHO? एंड इसके बाद हमारे को कल एक मैच देखने को मिला था जिसके अंदर बेसिकली जो ग्लोबली स्पोर्ट्स के स्लग है वो हमें बैन होते हुए दिखाई दिए लाइव स्ट्रीम पे, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो रूशी भाई उन्होंने लिखा था ऑलरेडी ऑन इट फिगरिंग आउट व्हाट हैपेंड, ही वॉज प्लेइंग क्लासिक बिफोर ही जम्प्ड इनटू मैचेस, इट्स बीन नोन टू हैपन बिफोर, स्टिल चेकिंग ऑन द सिचुएशन एंड विल शेयर ऑन द अपडेट वंस वी हैव वन, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारे को कुछ और भी अपडेट्स देखने को मिली जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि मोस्टली इट्स अ केस ऑफ मास रिपोर्ट बट वी आर चेकिंग रिगार्डलेस, कुछ नहीं है बाबा, इट्स कॉमन थिंग, आई स्पोक टू कपल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु प्ले लॉट ऑफ क्लासिक एंड वो बोले कि ऐसा होता रहता है, एंड अभी तो लैन पे मार के आया है हमारा बच्चा, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप लोग इस पे क्या व्यूज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो आई फ्लिक है उनसे काफी लोग बोल रहे थे कि जो हमारे को गिल है वो HH में देखने को मिल सकते हैं, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। इन एवरी टूर्नामेंट नाउ डेज ओके बीजेम इन द एंड आपको यही है, यही बोलता है HH गिल। मैंने जब टीम बनाने के लिए कोशिश किया था, जब INS की जब मैंने बात किया जोकर से, तो तब मैंने गिल की बात रखी थी, बट अभी तो नहीं चाहिए मेरे को। सो तभी ज़रूरत हो सकती थी और ज़रूरत था वैसे आई फील, बिकॉज मेरे को 2 tier 1 players तो भरना था, तो गिल नहीं था इसलिए मैंने अल्ट्रॉन का डाला था, नहीं तो इट वॉज गिल एंड डेफिनेटली जोकर, यू नो हैविंग द 2 pillars ऑफ द टीम एंड आगे बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो ये था प्लान ही। बट वहाँ पे गिल का ही मतलब कंफर्मेशन नहीं था एंड ही वांटेड टू डेफिनेटली गो टू न्यूमैन के साथ स्टिक करना था ना, ऑफकोर्स न्यूमैन बना नहीं था तभी बट बन रहा था, तो ऑफकोर्स ही वेंट देयर और मेरे को सिर्फ जॉकर मिला, तो फिर आई नीडेड वन मोर
यू नो जो एक मार्की प्लेयर बोलता है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर बोलता है, तो इसीलिए फिर अल्ट्रॉन आया था, नहीं तो गिल वाज माय ऑप्शन ब्रो, फिर गिल नहीं तो फिर किसी को तो डालना था, फिर अल्ट्रॉन खाली था, अल्ट्रॉन को डाला। स्टार्टेड वॉचिंग यार एंड इसके बाद हम बात करें मिड वेव के बारे में, तो जो मिड वेव है वो भी अपने लाइनअप का फेयरवेल बहुत ही जल्दी पोस्ट डालने वाली है। एंड यार आप लोगों को भी पता है ये काफ़ी सारे लाइनअप हमारे को फेयरवेल अभी के टाइम पे देखने को मिले हैं, जिसके अंदर हमारे को ओआर का लाइनअप, एनिग्मा का लाइनअप, इनसेन का लाइनअप, जो मिड वेव है उनका लाइनअप एंड काफ़ी सारे और भी लाइनअप जो है वो डिसबैन होते हुए दिखाई दिए हैं। एंड यार टोटल हमारे को 7 to 8 लाइनअप जो है वो डिसबैन होते हुए दिखाई दिए। एंड देखते हैं हमारे को आगे कितने लाइनअप्स और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें रॉबिन के बारे में, तो आप लोगों को भी पता है वो गॉडजिन के प्लेयर हैं, तो यार मेरे को जहाँ से रूमर्स एंड लीक्स वगैरह कुछ मिली है कि जो गॉडजिन है वो मे बी लीव कर सकते हैं रॉबिन। एंड देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या अपडेट रहती है, अनाउंसमेंट हमें कब तक इसकी देखने को मिलती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है शेडो को लेके, तो कल वो हमारे को लाइव देखने को मिले थे एस पावर के साथ में, वहाँ पे हमारे को डिस्कशन देखने को मिली थी एक स्पॉन्सर से रिलेटेड, जो कि बेसिकली शेडो एंड लाला के लाइनअप के लिए था। इस पर उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। अबे कोई टीम पे तो नहीं हो ना तुम लोग? मैं हूं। नहीं नहीं, क्या तुम लोग अलग लाइनअप बना रहे हो? अरे ओए क्यों स्ट्रीम पे पावर तुम लोग ये तो बोल रहे थे। नहीं नहीं अभी और बोलना है। अरे सही में स्ट्रीम पे है क्या? नहीं नहीं मजाक कर रहा था। अबे भाई ये पूछ रहा था, सही बताओ जल्दी बना रहे हो क्या? हां बना रहे थे। प्लीज जॉइन मी, मेक दिस मोर ऑकवर्ड। स्ट्रीम पे बात करें क्या भाई? डीएम कर, डीएम कर। कार्तिक तो सीधा लाइव पे वो स्ट्रीम पे डील कर रहे हैं कार्तिक। एंड इसके बाद जो सिड भाई है उन्होंने बात करी थी टीम सोल की प्रॉब्लम के बारे में, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। स्काई फोर्थ आए थे, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो वहाँ पे जो टॉप 5 टीम्स थे, टॉप आई माइट रीचेक दिस, बट जो टॉप 5 टीम्स थे उसमें से 3 टीम्स वो टीम्स थे जो इंडिया कोरिया और BJS दोनों खेल के आए थे, और एक टीम थी जो शायद सिर्फ इंडिया कोरिया खेल के आई थी, या सिर्फ BJS खेल के आए, सिर्फ BJS खेल के आई थी शायद। और हम लोग एक ही टीम थे टॉप 5 में जो बिना किसी लैन BJMS के धक्के के बाद ये वाला लैन खेलने आए थे। उस हिसाब से आई थिंक द टीम डिड नॉट डू बैड, बट फॉर अस दैट फोर्थ ऑनेस्टली डिड नॉट मैटर। वो फोर्थ और 16th में या डिस्क्वालिफिकेशन निकलने लग गया मेरे मुंह से अभी तुम लोग के जैसे, या एलिमिनेशन में मेरे को नहीं लगता है कुछ फ़र्क है। वो फोर्थ मतलब पब्लिक को लग रहा था कि फोर्थ कुछ नहीं है, मैं देख रहा था कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे कि यार एकदम ख़राब नहीं खेली है फोर्थ आए हैं, बट हम लोग के लिए वो फोर्थ हम लोग डिप्रेस थे, हम लोग जेन्युइनली डिप्रेस थे, हम लोग बिल्कुल खुश नहीं थे वो फोर्थ से, वो फोर्थ नहीं जम रहा था हम लोग को। हम लोग सेम जोन में थे जब हम लोग BJMS के बाद थे, या हम लोग BJS से बाहर होने के बाद थे, हम लोग सेम जोन में थे। इवन दो हम लोग वो इवेंट में वी आर द फोर्थ बेस्ट टीम इन अ लॉबी ऑफ 16, हम लोग फिर भी नहीं हम लोग को मजा आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि वी आर हैप्पी विद फोर्थ एंड वी आर कंटेंट विद फोर्थ, वी आर नॉट। We want to bring as many trophies as possible. BJMS में जो problems थे individual players में, that I feel like every individual player has fixed that problem. Now the next problem that we need to fix is the fear of failure. How we are going to fix it? We are trying to figure it out. But I think that is the biggest problem that is affecting us right now. तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।